उसकी हो के तो देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह की हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाएगा। फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फ़क्र व फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूँ, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फ़क्र व फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा देगा। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए, मुसीबत आ जाए, किसी से ना कहो, सिर्फ अपने रब से कहो, फिर देखना उसकी करम नवाजियों कमी कैसे बरसता है। फरमाया अल्लाह पर भरोसा करने का जो हक है अगर वो तुम अदा कर दो वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करते। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है, लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना है। रासुल माल भी नहीं होता लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है अल्लाह रोज उसे देता है, ये हंस रोजाना सुच्चे मोती खाते हैं, और आप मार्केट में लेने जाएं लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या दो नंबर हैं। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी शाम भी दोपहर भी पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता कर। कहा उस पर भरोसा तो करके देखो वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा, उस पर भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहां तुझे गुमान भी नहीं होगा। इरशाद फरमाया जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और अल्लाह उसको वहां से देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बहू, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, उसकी जरूरियात का वो खुद कफील होता है और उसके काम उसके जुम्मा करम पे होते हैं, को हो के देखे उसका। तो जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते बनाता है। हजरत औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल अशजई हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार हुए कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूँ। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जो हैं बस, इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है, ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीज़ें बताई थी, उनमें से 5वीं चीज़ ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्श इलाही के नीचे एक ख़ास ख़जाना है, ये वजीफा वहाँ से आया है, ये ज़िंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीज़ें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाज़ा खोलूं देखूं कि कौन है। तो दरवाज़ा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊँट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊँट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया और आते आते उनके 100 ऊँट भी हांक लाया हूँ। वह यार जुक हो मिन है सुला यह तसिब, वो तुम्हें वहां से रिजक देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं।